ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपने जिसे चुना वो कैसा है। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको अपने राजनेताओं पर शर्म आएगी। इस वीडियो में एनसीपी विधायक ने मीटिंग के दौरान रायगढ़ के डिप्टी कलेक्टर को थप्पड़ जड़ दिए। इतना ही नहीं, डिप्टी कलेक्टर प्लीज सर और नो सर करते रहे, लेकिन ये बेशर्म विधायक थप्पड़ जड़ते रहे। सिर्फ डिप्टी कलेक्टर को ही थप्पड़ रसीद नहीं किए गए, इस एमएलए ने आगे बढ़ते हुए दो अफसरों पर भी जमकर थप्पड़ बरसाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे विधायक ने एक हाथ से कलेक्टर की कॉलर तो दूसरे से दूसरे अधिकारी की कॉलर पकड़ रखी है और फिर थप्पड़ रसीद करने लगे। ये थप्पड़बाज एमएलए एनसीपी के सुरेश लाड हैं। वे ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए जमीन के मुआवजे पर बात करने कलेक्टर अभय कालगुडकर के ऑफिस पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान एमएलए सुरेश लाड ने आपा खो दिया, अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई और कलेक्टर समेत दो अफसरों पर जमकर थप्पड़ बरसाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना कुछ दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एमएलए के साथ कलेक्टर ऑफिस में उनके कई सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। बातचीत के दौरान विधायक लाड अचानक गुस्से में उठ खड़े होता है और एक अफसर की कॉलर पकड़ लेता है। डिप्टी कलेक्टर कालगुडकर बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर एमएलए उन्हें भी पीटना शुरू कर देता है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अफसरों की तरफ से अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। सुरेश महाराष्ट्र के कर्जत क्षेत्र से विधायक हैं और इलाके में उनकी इमेज एक दबंग नेता की है। ऐसे में अब देखना ये है कि इस थप्पड़बाज एमएलए पर पार्टी कब कार्रवाई करती है और कब रिपोर्ट दर्ज कर ये एमएलए सलाखों के पीछे पहुंचता है।